मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। और हर साल की तरह लास्ट ईयर इनिशिएट हुआ था, तो इस साल भी जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से एक अच्छे पैमाने पे, एक अजीम पैमाने पे फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारे कई बुज़ुर्ग मौजूद थे, हमारे ट्रस्टीज़ मौजूद थे और कई हमारे जो मुसल्लीज़ भी खादरा मस्जिद के यहाँ पे मौजूद थे। दिन पे मैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से और मेरे ज़ाती तौर पे भी मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि यूनिटी, मुल्क के हालात देखते हुए, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हालात देखते हुए, इट्स हाई टाइम, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को यूनाइट होना है। वी नीड टू यूनाइट टू डिफीट द डिवाइसिव फोर्सेस, जो फोर्सेस जो एक इंसान के एक सेक्युलर होने के मसले पे जो ये ऐसे ऐसे कुछ हथकंडे अपना रहे हैं अलग अलग तरीके से, कभी कोई फार्म बिल के नाम पे आता है, कोई प्रोटेक्शन बिल के नाम पे आता है। तो इस मौके पे जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं, जो एक हमारी जो बहुत हमारा एक जो अजीम मुल्क है इसको जो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें एक मैं गुजारिश करता हूँ और मैसेज यही देता हूँ कि ऑल सेक्युलर पीपल, ऑल सेक्युलर माइंडेड पीपल, इट्स टाइम टू यूनाइट टू डिफीट द डिवाइसिव फोर्सेस। ये हमारे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का एक डिसीशन हुआ है तमाम ट्रस्टीज़ की जानिब से। बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियाँ बिन भी रह गई हैं, तो हमारे ट्रस्टीज़ की तरफ से ये डिसीशन हुआ है कि जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से 150 सोशल मैरिजेस की रिस्पांसिबिलिटी ली गई है और 150 सोशल मैरिजेस हम लोग जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से करेंगे। और इसमें जो भी फंड्स है जुमा मस्जिद का फंड्स नहीं होगा, हम लोग कई लोग हमें आगे बढ़ के स्पॉन्सर्स कर चुके हैं और स्पॉन्सर से हमारी बातचीत हो रही है, तो इन तमाम फंड्स को जमा करके हम लोग ये सोशल मैरिजेस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह हमारा टारगेट है या तो इधर रमज़ान के पहले या रमज़ान के फौरन बाद ये जलसा करके ओवर पीरियड ऑफ 3 डेज करेंगे, 50-50 मैरिजेस पर डे बोल के। वाट एवर इज गिवन टू अस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू ईच सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी हैव टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, यूज एंड authorize ourselves. It is our entitlement which is given to us. Who are we? The Muslims of India are the people who have sacrificed the most. Our forefathers, thinking that in Pakistan they will be able to have some kind of a life better than India, left. But your father, your grandfather decided that they will stay back here because they believed in India, they believed in the Indian leadership, they believed their Hindu brethren, they believed their neighbors, they believed the country, they believed the Indian independence and later the constitution. Republic Day hum log manane ke liye yahan par jama hue hain Juma Masjid Trust Board ki taraf se, Sir Qazi Sayyid Abdul Quddus sahab Eidgah mein jama hue hain। पिछले 2 साल से यहाँ पर ये शुरुआत किए हैं हम लोग मनाने की। हम यहाँ पर जमा होते हैं तो इस बात को याद करने के लिए जमा होते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने में हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे बाप दादा का जो खून पसीना लगा है, जो कुर्बानियाँ लगी हैं, उस कुर्बानियों को एक तरफ याद करें और दूसरी तरफ ये ज़िम्मेदारी को भी समझें कि हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए जो खून लगाया है और हमारी आज ज़िम्मेदारी क्या होगी कि इसके लिए मेहनत लगाएं। देश तो आज़ाद करने में हमारे बड़ों का हाथ था, लेकिन इस देश की तरक्की में हमारा कितना हाथ रहेगा और कितना साथ रहेगा, इसको हम लोग को समझना है और हमें अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है। अब हमारा देश आज़ाद होने के बाद जब एक जमहूरी मुल्क ऐलान हुआ, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो आईन बनाया गया, उसके प्रियम्बल में यही लिखा गया है कि सबके लिए बराबर की हिस्सेदारी होगी, कोई ऊंचा नहीं रहेगा, कोई नीचा नहीं रहेगा, सबकी बराबर की हिस्सेदारी है, सभी को जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, वो जिस तरह से पहनना चाहता है वो पहने, जो खाना चाहता है खाए, जो काम करना चाहे विद इन दी एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो काम करे। तो हम मुसलमानों को आज ये समझने की ज़रूरत है, हम किसी तरह से किसी एतबार से किसी दूसरे दर्जे के शहरी बनकर ना रहें, हम उस एहसास कमतरी से बाहर निकलें और इस बात को समझें कि हम किस तरह से इस देश की तरक्की में हिस्सा ले सकते हैं। और उसके लिए जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल उसके लिए यही है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है, हमारी तालीमी तरक्की की बेदारी हो, हम तालीम में जो है ज़्यादा हिस्सा लें।